हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब आज हम कंप्यूटर्स के कुछ और मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो में हमने हार्डवेयर डिस्कस किया था आज हम सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे जो आपके कंप्यूटर के जो है दो मेजर कंपोनेंट होते हैं एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज हम सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे आपका सॉफ्टवेयर क्या है कंप्यूटर्स कैन नॉट डू एनी थिंग ऑन इट्स खुद से कोई काम नहीं कर सकता इट इज़ अ यूजर हु इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर व्हाट टू डू हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू ये यूजर है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे क्या करना है कैसे करना है और कब करना है इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क वी हैव टू गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए पर्टिकुलर सिक्वेंस टू द कंप्यूटर ये कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें जो है कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस का सेट देना होगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्राम्स का जिसकी वजह से हमारा क्या है हार्डवेयर क्या है एक पर्टिकुलर टास्क को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर को हम जो है आपका टू मेजर क्लास में आपका कैटेगराइज करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर दो दो क्लास दो क्लास में है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका लाइन है विंडोज है और जो यूटिलिटीज यूटिलिटीज में क्या है आपके लैंग्वेज प्रोसेसर हैं और डिवाइस ड्राइवर हैं जैसे आपके कंपाइलर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी फर्दर हमने दो क्लास में डिवाइड किया एक जनरल परपज

द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द रोम आर एक्जीक्यूटेड विच एक्टिवेट्स डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड मेक इट रेडी टू वर्क जब हम कंप्यूटर स्विच करते हैं वी स्विच कंप्यूटर द प्रोग्राम जो रोम के अंदर हमारे स्टोर्ड होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं विच एक्टिवेट्स डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर जो कंप्यूटर्स को एक्टिवेट करते हैं और और उसे रेडी करते हैं काम करने के लिए दिस सेट ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सेट को प्रोग्राम्स की इन सेट को हम क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सेट है प्रोग्राम्स का जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर क्या है रन करता है कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ये डिफरेंट ऑपरेशन के हमारे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है मैनेजमेंट करता है हमारा कंप्यूटर के रिसोर्सेज का ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल सेंटर दिस कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम इसी के अंदर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक वो प्रोग्राम है दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर जो कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है इट मैनेजेस द वेरियस फाइल्स इन द कंप्यूटर

their systems inevitably they still do not meet every everyone's expectations एक्सपेक्टेश यदपि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबके सब फीचर्स सब प्रोवाइड करता है यूजर्स को लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो हमारे आपके हर किसी की नीड्स को आपके फुलफिल नहीं कर सकता दिस हैज़ लीड टू अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूटिलिटीज की वजह से हमारा क्या है दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर बना जिसे हमने कहा यूटिलिटीज दीज आर प्रोग्राम्स दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द फंक्शनलिटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द नीड्स ऑफ यूजर ये वो ब्रिज है जो हमारा ये ब्रिज की तरह काम करता है किसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और हमारे यूजर्स की नीड के बीच में यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज़ कंप्रेस जिप आपका कंप्रेस जिसे हम जिप कहा जिप या आपका अनजिप फाइल सॉफ्टवेयर होते हैं एंटीवायरस वायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब क्या है हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स से हमारे जो हमारे क्या हैं ब्रिज हैं किसके बीच में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और यूजर्स की नीड के बीच में एक हमारे क्या है ये हमारा क्या है एक जो है ब्रिज की तरह काम करते हैं हमारे ये जो यूटिलिटीज वाले हैं हमारे अब जो दूसरा है ये तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम विच आर रिटर्न टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ये वो वो हैं आपके वो सेट है प्रोग्राम्स का जो रिटर्न फॉर्म में होता है जिसकी वजह से स्पेसिफिक टास्क हमारे परफॉर्म होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या हैं एन एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी नोन एज़ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ लो हमारा कोई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का हमारा सॉफ्टवेयर है तो ये हमारा क्या क्या, -क्या मैनेज करता है पूरी लाइब्रेरी को मैनेज करता है जैसे बुक का डिटेल मैनेज करता है अकाउंट होल्डर की डिटेल मैनेज करता है बुक इशू डिटेल्स को मैनेज करता है बुक कब रिटर्न हुई से मैनेज करता है तो ये क्या है हमारा एक इस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हर चीज़ को मैनेज करता है इसका दूसरे तरह का एग्जाम्पल है हमारा जो स्टूड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये भी हमारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम्पल है ये क्या मैनेज करता है स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है क्या नेम है उसका पेरेंट्स का नेम क्या है एड्रेस क्या है क्लास कौन सी है सेक्शन कौन सा है आपका उसके एग्जामिनेशन रिजल्ट को प्रोसेस करता है तो ये सब ये सब क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे फर्दर दो क्लास में हमने डिवाइड किया जनरलाइज पैकेजेस और कस्टमराइज पैकेजेस जनरलाइज पैकेज क्या है दीज आर यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर रिटर्न टू केटर टू यूजर्स वेरी जनरल नीड्स सच एज प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स ड्राॅइंग पिक्चर्स डेटा टू मैनेज डेटा इन्फॉर्मेशन प्रिपेयरिंग प्रजेंटेशन प्ले गेम्स एसेट्रा ये हमारे क्या हैं फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हैं हमारे जिन्हें जिन्हें यूज़र्स हमारा इजीली यूज़ कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए कोई पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कोई डेटा बेस मैनेज करने के लिए कोई डेटा बेस बनाने के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोई प्ले गेम्स के लिए इट इज़ ए ग्रुप ऑफ़ प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड जनरल परपज़ टूल्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ये वो है ग्रुप है प्रोग्राम्स का जो हमारा क्या प्रोवाइड करता है जनरल परपज़ टूल्स के लिए हम को प्रोवाइड कराता है हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरलाइज पैकेज जो है ये हमारे ये हमारे कुछ जनरलाइज्ड हमारे पैकेजेस हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द मेन पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इस सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना जैसे एमएस वर्ड है नोटपैड है नोटपैड है और दूसरे जो हमारे टेक्स्ट एडिटर हैं ये सब हमारे क्या है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल्स हैं दूसरा है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मेंटेन बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रिड शीट्स और सेल्स रिकॉर्ड ये जो हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसका मेन काम क्या है बजट मेंटेन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करना ग्रिड शीट को और सेल्स का रिकॉर्ड रखता है द पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज ऑर्गेनाइजिंग नंबर इसका पर्पस क्या होता है नंबर्स आपका ऑर्गेनाइज करना इट आल्सो अलाउज द यूजर्स टू परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसकी हेल्प से हम जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ईजीली कर सकते हैं और इसमें जो है नंबर्स को हम रो में कॉलम में एंटर कर सकते हैं जैसे एम एस जो है इसका एक एग्जाम्पल है स्प्रिड सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट जनरलाइज पैकेज है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स ये सॉफ्टवेयर जो है हम हमारी जो इंफॉर्मेशन को स्लाइड शो के फॉर्म में डिस्प्ले करता है द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज एडिटिंग दैट इंसर्शन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इंक्लूडिंग ग्राफिक्स इन द टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूटिंग द स्लाइड शोज दो तीन मेन फंक्शन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एक तो आपका एडिटिंग दैट अलाउज द इंसर्शन मतलब उसका एडिटिंग करना फॉर्मेटिंग करना आपका और उसमें ग्राफिक्स टेक्स्ट में इंक्लूड करना आपका और उसे स्लाइड शो के फॉर्म में एग्जीक्यूट करना ये तीन मेन फंक्शन है हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बेस्ट एग्जाम्पल जो है इसका हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट है मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर विल अलाउ द यूजर टू क्रिएट ऑडियो एंड वीडियोस इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से यूजर जो है ऑडियो और वीडियो क्रिएट कर सकता है इसका एग्जाम्पल है जे मीडिया प्लेयर है ये हमारा एक मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ये तो थे, थे हमारे जनरलाइज्ड पैकेजेस अब कस्टमराइज पैकेज क्या हैं दीज आर द एप्लीकेशंस दैट आर कस्टमराइज ये वो एप्लीकेशंस है जो कस्टमराइज हैं टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन इनकी हेल्प से जो है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है ये क्या है उनके सब क्योंकि हर किसी का अपना जो है अलग सॉफ्टवेयर है तो ये सब क्या है हमारे कस्टमराइज पैकेजेस हैं दीज पैकेजेस आर डेवलप्ड यूजिंग हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज और ये पैकेज जो होते हैं ये कैसे डेवलप किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके तो ये था हमारा आज का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू